इतना जालिम बादशाह जो तमाम बनी इसराइल के लड़कों को कत्ल करवा रहा था, बीवी ने कहा इसे कत्ल मत करो, ये हमारे और तुम्हारे आंखों की ठंडक है, कैसा मान गया? हाँ, जब इतना जालिम बादशाह उसके ऊपर बीवी का इतना असर होता है तो हमारे और आपके शोहर इतने जालिम तो नहीं है? हाँ, हमारे और आपका असर क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होता है, 100% हम इस बात को कह सकते हैं, सही तरीके से कही गई बात का असर होता है। अब असर होता है, इन्फ्लुएंशियल हैं बीवियां, इसका ये मतलब नहीं है कि शोहर कहे आप जो कहें सरकार, जब तक सरकार ना बोले तब तक कोई काम ही ना हो, मेरा ये मतलब नहीं है असर का, इन्फ्लुएंस का ये मतलब नहीं है, आप बिल्कुल अपनी मुट्ठी में कर लें। अरे अजमशम्स कह के कई चीज असर होता है, तो असर ऐसा डालना है कि बस जो मैं कहूँ बस वही करे, इस वाले असर की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि जायज़ तरीके से अच्छी बातें मनवा लेना, ये बीवी के अंदर टैलेंट होता है। और आप देखिए ना, जब आप चाहती हैं तो आपका कंगन तो बन ही जाता है, हाँ, जब आप चाहती हैं आपकी पायल तो आ ही जाती है, बगैर असर के आ जाती है क्या? नहीं ना, तो असर है तो उसको पॉजिटिवली इस्तेमाल करें। अगर एक बीवी बिल्कुल दो टूक कह दे कि मुझे हराम कमाई से सजे हुए ड्राइंग रूम पसंद नहीं और मुझे लग्जूरियस लाइफ नहीं चाहिए रिश्वत और सूद के पैसों से, बल्कि दो वक्त की रूखी सूखी मुझे बेहतर मालूम होती है उससे कि तुम हराम कमाओ, तो हराम कमाई के कितने ही असबाब का खात्मा हो जाएगा और समाज में अमन बरपा हो जाएगा एक बीवी के ये कह देने से। तो शौहर कहते हैं ना, तुम्हारे लिए तो कमाते हैं, तुम ही लोगों के लिए तो कमाते हैं, तो एक बीवी का फर्ज है उससे कहे हमारे लिए कमाते हैं, हमें हलाल खिलाओ, हम सूखी खा लेंगे, दो वक्त के बजाय एक वक्त खा लेंगे, मगर हराम नहीं खाएंगे, तो फिर शौहर क्यों कर हराम कमाएगा? एक अच्छी बीवी अपने शौहर को इन्फाक फी सबीलिल्लाह के लिए भी उकसा सकती है। इन्फाक फी सबीलिल्लाह मतलब अल्लाह ताला की राह में खर्च करना, जिस तरह हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की बीवी ने कहा। एक मरतबा हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु अपने बाग में बैठे बिल्कुल परेशान और उदास से थे, उनकी बीवी ने पूछा क्या बात है? तो हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने फरमाया कि मुझे माल ने परेशान कर रखा है। अब देखिएगा कि माल की परेशानी ये नहीं थी कि माल ना होने ने उन्हें परेशान किया था। हज़रत अबू अय्यूब फरमाते हैं कि मुझे माल ने परेशान कर रखा है। अब माल की क्या परेशानी थी? फरमाते हैं कि इतना सारा माल अल्लाह ने दिया है, इसको इसका करूं क्या, माल की ज्यादती ने उन्हें परेशान कर रखा था। तो बीवी ने ये नहीं कहा मेरा कंगन बनवा दीजिए, मेरा सोने का हार बनवा दीजिए, एक डायमंड रिंग तो ले ही आइए, नहीं कहा बीवी ने। बीवी ने कहा खर्च कर दीजिए। पूछा कहाँ खर्च कर दूं? तो बीवी ने ये नहीं कहा मेरे मायके वालों पर खर्च कर दीजिए, नहीं कहा, कहा अपने रिश्तेदारों पर खर्च कर दीजिए। सुभान अल्लाह, खुश हो गए, जाते हैं 30,000 दिरहम एक दिन में अपने रिश्तेदारों पर खर्च करके वापस आ जाते हैं, बीवी को भी खबर सुनाते हैं, वो भी खुश हो जाती है। एक ऐसी मिसाली बीवी बनने की जरूरत है, अपने शोहर को अच्छाई की तरगीब दें। हमारे और आपके क्या आदत है कि हम खर्च कर रहे हैं तो अपने ऊपर खर्च करने का ज्यादा कोशिश करते हैं, अपने मायके वालों पे खर्च करवाते हैं, और चाहे अच्छा जिसके ऊपर भी आप खर्च करिए मगर ससुराल वालों पे तो मत करिए। ये हमारा अमल होता है ना कि शौहर के भाई बहन के ऊपर खर्च हो, देवरानी चिटानी के ऊपर कोई खर्च हो जाए और सास के ऊपर हो तो हमें तकलीफ होती है, बिल्कुल बिल्कुल हक से बिल्कुल मुंह मोड़ चुके हैं, ये नहीं होना चाहिए। एक अच्छी बीवी अपने शौहर को अच्छाई की तरफ बुलाती है और शौहर उसे इन्फ्लुएंस होके अच्छाई को अपनाता है तो कितनी बड़ी अपने उसके अमल के लिए भी वो उसको अज्र मिलता है। तो इस तरह अच्छी बीवी बनने की ज़रूरत है, अच्छाई की तरफ बुलाने की ज़रूरत है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा मिसाल हैं इस चीज़ की कि शौहर के ऊपर कितना लुटाती थी, कितना खर्च करती थी, खुद वो खुद शौहर के ऊपर खर्च करती थी और किस तरह से अपने शौहर की गमगुसारी करती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार माल की ज़रूरत पड़ी। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा बड़ी मालदार खातून थी, मक्का की एक बिजनेस लेडी थी, उन्होंने अपने माल का ढेर लगा दिया जिसमें एक ह्यूमन हाइट
पूरा छुप जाए, उतना ढेर लगा दिया। और मक्का की तमाम लोगों को, खास खास लोगों को बुलाकर कहा कि देखो फला इब्न फला, फला इब्न फला, मैं अपना पूरा माल अपनी रजा से मोहम्मद के नाम करती हूँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खैर के कामों के लिए माल की ज़रूरत होती तो उनकी बीवी निछावर कर देती, और जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई भी परेशानी, कोई भी गम होता तो इस तरह से गमगुसारी करती कि वो तो तारीखी अल्फाज बन गए। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा में पहली वही रिसीव करके लौटे तो आप नहायत खौफजदा थे। आपने आकर घर में कहा ज़मिलूनी ज़मिलूनी, मुझे कंबल उड़ा दो, मुझे कंबल उड़ा दो। घर वालों ने कंबल उड़ा दिया। जब आपका खौफ कुछ कंट्रोल हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अपनी जान का ख़तरा है। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा के जो अल्फाज हैं वो तारीखी हैं, दर्ज है सही बुखारी जिल्द नंबर 1 किताबुल वही बाब नंबर 1 हदीस नंबर 3 में। हज़रत खदीजा ने फरमाया हरगिज़ नहीं, अल्लाह की कसम अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप नातवान का बोझ अपने ऊपर लेते हैं, आप रिश्ते नाते जोड़ते हैं, जिनके पास जो चीज़ नहीं उन्हें कमा कर देते हैं, और मुसीबत और परेशानी और हादसात में हक की मदद करते हैं, अल्लाह आपको रुसवा नहीं करेगा। इस तरह एक बीवी की गमगुसारी वाले अल्फाज इस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर असर करते हैं कि आपका गम जाता रहता है। और हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने कज़न के पास वरका बिन नौफल के पास जाती हैं। ऐसी बीवी बनने की ज़रूरत है, ऐसी बीवी, ऐसी मिसाली खातून, मिसाली बीवी जो अपने शोहर की मुसीबत में हर वक्त साथ रहे, ताने ना दे। हमने कहा था ना ऐसे क्यों किया, अब नहीं करना था, अब किया है तो अब भुगतिए। हम लोगों का ये तर्ज़ अमल होता है ना, जब भी शोहर मुसीबत में होता है हम दो चार तानों से उसकी मुसीबत और बढ़ा देते हैं। फिर वो शाम को देर से घर आता है तो कहते हैं आपके पास तो हमारे लिए टाइम ही नहीं है। अरे जब हम उसकी गमगुसारी नहीं कर सकते, जब हम उसके पास होते हैं तो उसे कोई राहत नहीं मिलती, तो क्यों कर जल्दी आएगा घर में हुँ? तो हम ऐसी बीवी ना बने, ऐसी अहमक बीवी ना बने, बल्कि अपने शोहर को की परेशानी में उसके पूरी तरह सपोर्टर बने, उसका सहारा बने। और फिर जब हम सहारा बनेंगे ना तो फिर कोई भी अच्छी बात कहेंगे सब मानेगा, इंशाल्लाह सब मानेगा। तो जब हम उसे सपोर्ट देते हैं तो शोहर का भी दिल बड़ा होता है, उसको अपनी बीवी की वैल्यू बढ़ जाती है, तो फिर सारी बातें मानता है, फिर अच्छी अच्छी जितनी बातें हैं सब मनवा लीजिए। एक बार उसको सहारा दीजिए, मोहब्बत दीजिए, और फिर सारी अच्छाई की तरफ उसे बुलाइए। अगर जो भी बुरी आदतें हों उससे वो उससे बचाइए, गंदी लतों से बचाइए। कुरान और सुन्नत पढ़िए, पढ़ाइए, सीखिए, सिखाइए, साथ में एक अच्छा सा घर में माहौल पैदा हो कुरान सीखने सिखाने का, तालीम और तरबियत का, तो बेहतरीन सा घर का माहौल हो जाएगा। इस तरह से एक शोहर को एक बीवी से बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। तो इस तरह अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है। और एक बहन की हैसियत से भी हम कम इन्फ्लुएंशियल नहीं होते, हम बहन की हैसियत से भी भाइयों के ऊपर काम कर सकते हैं। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का कबूल इस्लाम का वाक़िया आपको गालिबन पता होगा कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खून के प्यासे हो रहे थे, जब इस्लाम कबूल नहीं किया था, खून के प्यासे हो रहे थे, और किसी ने उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए कह दिया कि अरे रसला को तो बाद में पूछना, तुम्हारे घर में देखो तुम्हारी बहन बहनों ईमान ला चुके हैं। तो बिल्कुल बेतहाशा गुस्से की हालत में अपनी बहन बहनों के ऊपर जाकर पिल पड़े, यहाँ तक कि चोट जो है उनकी बहन को भी आ गई और खून निकलने लगा। तो उसके बाद जो उनकी बहन थी फातिमा बिनत खत्ताब रदी अल्लाह अन्हा, उन्होंने कह दिया कि ए उमर अब जो करते बने कर ले, मैं तो मोहम्मद पर ईमान ला चुकी। वो इतना हैरान हो गए कि एक औरत इतनी ज़्यादा हिम्मत वाली कैसे हो गई, किस कदर हौसला इसके अंदर आ गया, ये क्या चीज़ है जिसने इसको इतना मतलब वो बेखौफ बना दिया है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को वो स्टेटमेंट का इतना इन्फ्लुएंस हुआ कि वो जाते हैं दरबार नबवी में और जाकर पढ़ देते हैं शहादत, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इस तरह एक बहन अपने भाई के लिए हक की तरफ, हिदायत की तरफ आने का जरिया बन गई। ऐसी बहनें बने, अपने भाई को हक की तरफ बुलाइए और उनके साथ कुरान का और सुन्नत
को शेयर करिए, अच्छी बातें उसे बताइए और उसकी अच्छी बातें खुद सीखिए। ऐसा भी तो हो सकता है इंटरनेट पे आप देखो कि जो भाई बहन है सबके सब फेसबुक पे लगे हुए हैं, एब्जर्ड पोस्ट इधर उधर कर रहे हैं। अरे कोई इस्लामिक पोस्ट भी तो हो सकता है ना, तो अच्छी चीजें इधर उधर फॉरवर्ड करने की जरूरत है। एसएमएस एसएमएस खेल रहे हैं क्या? एसएमएस एकदम एब्जर्ड चीजें, अजीब चीजें, बस हंसी मजाक वाली चीजें और बेहुदा चीजें भी, इवन वो चीजें इधर से उधर हो रही हैं। वही भाई बहन कोई अच्छी अच्छी चीजें फॉरवर्ड करें एसएमएस के जरिए भी, तो इस तरह से बहनें अपने भाई को भी अच्छी चीजें सिखा सकती हैं। और एक बेटी की हैसियत से भी काफी असर रखती है एक औरत, एक लड़की अपने वालिद के ऊपर, क्योंकि आम तौर पर वालिद के ऊपर बेटी का बहुत असर रहता है। जो चीज बेटे से नहीं मानते बेटी से मान जाते हैं। वालिद लोग बेटी की बात नहीं टाल पाते हैं, तो बेटी ने कह दिया है तो अभी करना है। तो कितने गोल्डन चांस है बेटियों के पास कि वो अगर वालिद गुटखा खाता हो तो उससे छुड़ाने की रिक्वेस्ट करे, अगर वालिद को रिश्वत की लत लग गई है तो उससे रोके अपने फादर को। तो जो भी बुरी चीज़ की, तंबाकू और सिगरेट की लत है, तो उससे बेटियां अक्सर ही बचा सकती हैं। तो अच्छी चीज़ों के लिए अपने वालिद को भी कहने की ज़रूरत है, वालिद पे बेटी का बहुत असर होता है। तो हम बेटी की हैसियत से भी बहुत कुछ दे सकते हैं समाज को, अपने वालिद को सुधार के उन्हें नमाज की आदत डलवाएं। अगर आज ये एरा ये हो चुका है कि औलाद जो है बेटियां बेटे नमाजें पढ़ रहे हैं, अब वालिदैन नहीं पढ़ रहे हैं, अब ये थोड़ा सा चेंज आ रहा है। तो जब बेटियों से हम कहना चाहेंगे कि अपने अपने अब्बू को नमाज की तरफ बुलाओ, उनसे खाली फरमाइशें ना किया करो कि मैकडोनल्ड्स घुमा दीजिए तो शॉपिंग करा दीजिए, उसके अलावा कुछ अच्छी चीज़ों के लिए भी उन्हें कहा करिए, उनसे रिक्वेस्ट किया करिए, पूरे अखलाक से पूरे इज्जत और एहतराम का ख्याल रखते हुए अच्छाई की तरफ बुलाइए। तो यूं हम घर के अंदर रह के अपनी खानगी जिम्मेदारियों में चार रोल में डिफरेंट डिफरेंट तरह से समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत सारी बुराइयां मिटा सकते हैं घर के अंदर रह के इन चार रोल्स में। लेकिन हमारी जिम्मेदारियां यहीं पे खत्म नहीं हो जाती कि हम सिर्फ घर के अंदर ही रह के काम करें, बल्कि हमारी कुछ माशरती जिम्मेदारियां भी हैं, हमारी कुछ मिल्ली जिम्मेदारियां भी हैं। तो अब हमें ज़रूरत है ना सिर्फ घर में रह के, बल्कि जिससे मुमकिन हो सके घर की सारी चीज़ मैनेज करते हुए बाहर जाकर भी समाज में अच्छाइयों को फैलाए। सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है एक औरत का वो है तालीम के मुताल्लिक उसकी जिम्मेदारियाँ। घर के अंदर तो अपनी औलाद को तालीम और तरबियत देगी, लेकिन बाहर जाकर भी उसे करना ही होगा। ये बात हम यूं ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि हमारे पास प्रूफ्स हैं बहुत सारे कि हम बाहर जाकर भी इल्म तालुम का काम कर सकते हैं, एजुकेशन दे सकते हैं। पहली बात तो औरत को तालीम देने का काम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए कि जो बेसिक एजुकेशन होती है, प्राइमरी एजुकेशन, उसमें एक औरत ही अच्छी तरह से रिजल्ट दे सकती है। एक मर्द इतने छोटे बच्चों को अच्छी तरह से डील नहीं कर सकता है। जो भी लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो ज़रूर इस बात की तायद करेंगे कि, और हम खुद जो कि तकवा इस्लामिक स्कूल में एक प्रिंसिपल की हैसियत से हम सर्व कर रहे हैं, प्राइमरी एजुकेशन में एक फीमेल टीचर जो बच्चों को, छोटे बच्चों को जिस तरह डील कर सकती है वो मेल टीचर नहीं कर पाते हैं। ये बात हम अपने एक्सपीरियंस से बोल रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि हमारी बहन डॉक्टर नाहिद भी इस बात को पूरी तरह से तायीद करेंगी हमारी कि छोटे बच्चों को डील करना फीमेल टीचर का ही काम है। क्योंकि एक औरत के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसी ममता और ऐसी मोहब्बत दी होती है कि वो बच्चों से इरिटेट नहीं होती आमतौर पर, लेकिन मर्द बच्चों, छोटे बच्चों की साइकोलॉजी को जल्दी से समझ ही नहीं पाते, जिसकी वजह से एक मर्द जो मेल टीचर्स बने तो अच्छे अच्छे मेल टीचर्स बन ही नहीं सकते हैं, वो अच्छे टीचर्स छोटे बच्चों के लिए नहीं बन सकते हैं। इसलिए ये जो पूरा महकमा है, ये पूरा डिपार्टमेंट है, ये औरतों का ही है। तो एक औरत आला तालीम हासिल करे और फिर वो बच्चों को एजुकेशन दे, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास फीमेल टीचर्स नहीं होंगी तो किस तरह से ये उम्मत के नौनिहाल किस तरह से तालीम और तरबियत पाएंगे फिर स्कूल में। तो इस तरह हम खवातीन अच्छी तालीम हासिल करके एजुकेशन फील्ड में जाएं और वहाँ पे सर्विसेज दें,
और जाहिर बात है कि जब हम कह रहे हैं कि ऐसी जगहों पर सर्विसेज दें अपनी, तो जाहिर है हमें तालीम भी अच्छी हासिल करना होगा। जब हम एजुकेटेड होंगे तब तो एजुकेशन फील्ड में जाके एजुकेशन देंगे, तो अच्छी तालीम हासिल करना हमारे लिए भी फ़र्ज़ है।